रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया, आप लोगों ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आप लोग आए हैं, मतलब हार हुई आप लोगों की, इसके ऊपर क्या हम कहना तो हार स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एकदम दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए चुनाव। तमाम प्रयास के बावजूद हम हार गए। हार की समीक्षा भी हम करेंगे, कर रहे हैं, किन कारणों से हमारी हुई, रणनीति में कहाँ चूक हुई, तब ना हार गए। लेकिन कुछ लोग जो मुगालते में कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, तो अब पता चला ना कि सेमीफाइनल में थर्ड नंबर पर हैं, हमको तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे थे। तो लोकसभा में 27,000, विधानसभा में 30,000, और विदेश से ज्ञान लेके प्रचार करने आए जी। जो है ट्विटर बबुआ है ना, विदेश चले गए थे और वहाँ से ज्ञान लेके आए, और जिसको जंगल राज कह रहे थे, उसमें शाम में 5 बजे अपने घर से निकलते हैं पूर्णिया के लिए, मोकामा बेगूसराय होते हुए, तो जंगल राज में कैसे जा रहे थे आप? डर नहीं लग रहा था जी। तो डर लगना चाहिए था, और तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और धोखा किसको दिया? धोखा दिया सीपीआई को, 41,000 वोट आया था सीपीआई को उम्मीदवार को पिछली बार, उसका टिकट राजनीति के सामंत ने काट दिया और लड़ा दिया बीमा भारती को। और अति पिछड़ा समुदाय को हम लोग दिए 16 में 5 टिकट, आई दिए 23 में 2 गो अपना परिवार में, और 2 गो अति पिछड़ा को। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट निकाल के देख लीजिए, वहाँ जनता दल यू और राजद का वोट लगभग बराबर है, लगभग कुछ ज़्यादा हमसे है। तो अल्पसंख्यक का भरोसा टूटा, M/Y समीकरण भी टूट गया वहाँ। यह भी गौरतलब, यह विश्लेषण करने योग्य है जी। एक आखिरी सवाल होगा, लगता है बीमा भारती के पार्टी बदलने से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि 3 बार से विधायक रही थी जब अब JDU से वो थी, जैसे ही RJD में गई उनका भी कहीं ना कहीं हार हुआ, आप लोगों की भी हार हुई, मतलब कलाधर मंडल और बीमा भारती में मजबूत चेहरा बीमा भारती का था अगर वो JDU के साथ होती तो। देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी से लड़ा है वो राजनीति में पेवेलियन पकड़ लिया है, इतिहास गवाह है। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा इतिहास का देख लीजिए आप, बड़े से बड़े राजनेता रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी से जो अलग हुए हैं उनका नुकसान हुआ है। अब बीमा भारती जी चुनाव हार गईं तो वो राजनीतिक शोषण का शिकार हुई। गंगोता जाति एक संघर्षशील जाति है, और उसका हम ही लोग 5 विधायक बनाए, लालू जी आज तक के मोहनी नहीं होने दिए उसमें, गंगोता जाति का। बूलो मंडल एक बार जीते हुए भी हमारे साथ हैं, गोपाल मंडल का देख लीजिए, लक्ष्मीकांत मंडल देखिए, बीमा भारती देखिए, सबको हम ही विधायक बनाए, और भागलपुर अंगिका क्षेत्र में बड़ी आबादी उसकी है। तो लालू जी को क्या पीड़ा होगी भाई, वो अति पिछड़ा है भाई, परिवार को भी 2 टिकट चाहिए, अति पिछड़ा को भी 2 टिकट चाहिए, नारा लगावेंगे जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो आपका परिवार का 12 गो सदस्य संख्या तो आप 2 गो लीजिएगा, और जिसका आबादी 40% है वो भी 2 ही गो लेगा टिकट। तो लालू जी का तो माया है जिसके और लालू जी प्रचार करने क्यों नहीं गए? बेटी के लिए है समय, अति पिछड़ा की बेटी लड़ रही थी तो नहीं, तो राजनीति का बीमा कैंसिल कर दिया। तो आपने देखा हमने किस तरीके से सवाल पूछे, विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया जो कि काफ़ी चौंकाने वाला था दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या NDA अलायंस हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।